आप देख रहे हैं दखल न्यूज। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, महागठबंधन को मिली जीत, हेमंत सोरेन बनेंगे मुख्यमंत्री। सीएए के समर्थन में कोलकाता में लोगों का हुजूम, ममता को अदालत ने कहा सीएए के खिलाफ विज्ञापन हटाएं। राजघाट पर सीए को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह, गांधी परिवार के साथ नजर आई कांग्रेस। भोपाल की सांसद प्रज्ञा का फ्लाइट में विवाद, यात्री ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को कहा बेशर्म। और गुना के बीजेपी सांसद केपी यादव और उनके बेटे पर 400 बीसी का एफआईआर, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है मामला। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और सत्ता महागठबंधन के पास चली गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने अपनी जीत के बाद सभी के प्रति आभार जताया है और लालू यादव और सोनिया गांधी को धन्यवाद कहा। हेमंत सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने खुशी जताई। हेमंत सोरेन ने जीत के बाद कहा कि झारखंड की जनता ने जो स्पष्ट जनादेश दिया है उसके लिए जनता का आभारी हूँ। झारखंड के लोगों के लिए आज तक यह उत्साह का दिन है, साथ ही यह दिन मेरे लिए एक संकल्प लेने का है। यहाँ की लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आज का दिन है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह जनादेश शिबू सोरेन के परिश्रम और त्याग का परिणाम है। आज उन उद्देश्यों को पूरा करने का वक्त आ गया है। जीएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी के लोग साथ आए, इसके लिए आभारी हूं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा किया। हेमंत ने कहा आज से नया अध्याय शुरू होगा। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं, किसी की उम्मीदें नहीं टूटेंगी, सभी का ध्यान रखा जाएगा। आज हम इस राज्य में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़े, जिसमें हमारे साथ शामिल कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग और जेएमएम ने मिलकर लड़ा। मैं इसके लिए भी आदरणीय गुरुजी को, आदरणीय लालू जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, कांग्रेस के सभी जो राज्य पे नजर लगाए हुए थे, जो प्रभारी के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, सभी दलों के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया। और आज राज्य की जनता ने इस राज्य को एक स्पष्ट बहुमत दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ा। इस रैली में नड्डा के साथ भाजपा महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय नजर आए। कांग्रेस जहां सीएए के मसले को अपने तरीके से प्रस्तुत कर रही है, वहीं अब इस मसले के समर्थन में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में कोलकाता में विराट रैली की गई। शहर की सड़कों पर इस कदर लोगों की भीड़ उमड़ी कि सड़कों पर चलना दूभर हो गया। इस रैली में नड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मसले पर भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है। इस कानून को लेकर उपजे भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगले 10 दिनों में 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचने जा रही है। कोलकाता में निकाली गई रैली की शुरुआत सुबोध मलिक स्क्वायर से हुई और यह श्याम बाजार पर खत्म हुई। इससे पहले रविवार को कोलकाता पुलिस ने जेपी नड्डा के मार्च को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, हालांकि बाद में उन्हें रैली निकालने की इजाजत दे दी गई।
ये जन सैलाब सारे पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग कलकत्ता की सड़कों पर अपने नारों की गूंज से बता रहे हैं कि बंगाल मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, बंगाल सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत करता है, समर्थन करता है। इस बात को हम लोगों ने देखा और देना भी क्यों नहीं, बंगाल राष्ट्रभक्त है, बंगाल के लोग सांस्कृतिक प्रिय हैं, वो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए संस्कृति की पूजा करते हैं, वो देशभक्त हैं। इस मिट्टी में देशभक्तों को ने जन्मा है, उनको दृष्टि दी है और उन्होंने देश को दृष्टि दी है, ऐसा बंगाल है जिसको हमको समझना था। CAA के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोलने वाली पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने CAA के खिलाफ शहर में लगाए गए सारे विज्ञापनों को हटाए जाने का आदेश जारी किया है। पिछले दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट में 6 PIL दायर की गई थी। इन याचिकाओं में शहर के कई स्थानों सहित वेबसाइट से भी इन विज्ञापनों को हटाए जाने की मांग की गई थी। आज हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए ममता सरकार को कहा है कि वे इन विज्ञापनों को शहर से एवं वेबसाइट से हटा लें। केंद्र सरकार द्वारा लागू CAA में गैर मुस्लिम लोगों को भी देश की नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया है। इसके लिए यह शर्त है कि नागरिकता के उम्मीदवार लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से वर्ष 2014 के पहले भारत में आए हुए हों। पिछले सप्ताह ममता बनर्जी ने CAA के मुद्दे पर केंद्र सरकार का खूब विरोध किया था। उन्होंने सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च भी निकाला था और नारेबाजी भी की थी। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक आए थे और CAA का विरोध किया। अदालत के फैसले के बाद ममता बैकफुट पर हैं। इससे लोगों को यह भी समझ आ गया है कि ममता जिस तरह इसका विरोध करने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रही थी वो ठीक नहीं है। राजघाट पर कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सत्याग्रह किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व PM मनमोहन सिंह एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। हालांकि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर सभी आशंकाओं को खारिज कर चुके हैं। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को दिल्ली रैली में प्रदर्शनकारियों को अफवाह में न आने की अपील की। इस बीच आज कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कानून के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। सोनिया और राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राजघाट पर सत्याग्रह किया। सोनिया गांधी ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। उनके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। इस मौके पर पूर्व PM मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद और AK एंटनी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। From the Constitution of India, the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया नागरिकता कानून MP में लागू नहीं होगा, कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं करेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि नागरिकता कानून के कारण लोकतंत्र खतरे में है, PM मोदी इसे लेकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का एजेंडा RSS का एजेंडा है, वो देश को बांटना चाहते हैं। इस बीच हम उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं, पूरा देश उनका मुकाबला करने को तैयार है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा
कि हमारे प्रदेश में नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे। दिल्ली के किरारी इलाके के एक गोदाम में आज फिर भीषण आग लग गई। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक इस आग ने 9 लोगों की जान ले ली। इस आग से झुलसे एक दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दिल्ली बढ़ती आग की घटनाओं से जूझने लगी है। पिछले कुछ समय में दिल्ली में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं और उनमें निर्दोष लोगों की जान भी गई है। सोमवार को भी ऐसा ही एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें एक कपड़े के गोडाउन में लगी आग में 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य घायल हो गए हैं। 12 से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आउटर दिल्ली इलाके में स्थित किरारी इलाके में एक गोडाउन में रात 1 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। देखते ही इसने गोडाउन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक इस पर काबू पाया जा सकता तब तक इस भीषण आग ने 9 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली के अनाज मंडी के फिल्मिस्तान इलाके में स्थित एक कारखाने में आग लगने की घटना हुई थी जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार में स्थित इस इमारत में कई कारखाने चलते थे जिसकी वजह से इमारत में 300 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरसी का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार देश में आग लगाने का काम कर रही है। बंदर के हाथ में उस्तरा या मशाल दे दे तो क्या होगा, वही अब देश में हो रहा है। एनआरसी मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो काट देगा, बंदर के हाथ में मशाल दोगे तो क्या करेगा, जलाएगा। भाजपा सरकार देश में आग लगा रही है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के नाते एनआरसी में हस्ताक्षर नहीं करूंगा। एनआरसी ऐसा कानून है जिसमें कई पीढ़ियों से देश में रह रहे लोगों को भारतीय होने का प्रमाण देना होगा। छत्तीसगढ़ में 2,80,00,000 लोग रहते हैं। आधे से ज्यादा लोगों के पास भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देने के लिए जमीन के दस्तावेज नहीं है। एनआरसी पूरे देश में लागू होगा कहते हैं अमित शाह जी, ये पूरा देश में आग लगाना चाहते हैं। जैसे बंदर के हाथ में मसाल दे दो, बंदर के हाथ में मसाल देंगे क्या करेंगे, वो आग लगाएंगे। उस तरह पकड़ा दो तो काट देंगे। ये उसी प्रकार से इनको सत्ता सौंपे हैं, तब से कभी जेब काटने का काम हो रहा है, कभी आग लगाने का काम हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे आदिवासी अंचल में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, और मैंने इसीलिए कहा एनआरसी लागू होगा तो मैं पहला आदमी होगा जो उसके फार्म में हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हम भारत के लोग हैं, हमको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जो बाहर के घुसपैठिया हैं सब पकड़ो और बाहर करो, लेकिन हमको प्रमाणित करने के लिए, हमको लाइन लगाने के लिए कहेंगे, ये बात बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारे यहाँ के लोगों के पूर्वज ने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। प्रदेश के लोग रोजी रोटी के लिए एक गांव से दूसरे गांव या शहर और प्रदेश के बाहर भी आते जाते रहते हैं, ऐसे में कहाँ से दस्तावेज जुटाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में घुसपैठिए हैं तो केंद्र सरकार उन्हें पकड़े, उन पर कार्रवाई करे, इसके लिए कई सारी एजेंसियां हैं, जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह खबर आप तक पहुंचना जरूरी है। आप जहां वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हैं, वहीं आपकी पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ऐसा कुछ कर जाती हैं जो आपकी भावनाओं के विपरीत होता है। ताजा मामले में सांसद प्रज्ञा फ्लाइट में सीट के लिए लड़ ली, जिस पर उन्हें अन्य यात्रियों से खरी खरी सुनना पड़ी। यात्रियों ने उन्हें बेशर्म तक कहा। मोदी जी, यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये है भोपाल से आपकी पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दिल्ली से भोपाल आते वक्त जहाज को साध्वी ने को भवन बना लिया। जहाज में कुर्सी को लेकर साध्वी का पारा चढ़ गया। जरा सी देर की यात्रा के लिए सांसद प्रज्ञा ने मिशन मोदी की हवा निकाल दी। साध्वी को जहाज में बैठने के लिए मनमाफिक कुर्सी नहीं मिली, यही विवाद का कारण बना। मोदी जी, आप खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन आपके लोग आपकी भावना का मजाक उड़ाते हुए उसे तार तार करते नजर आ रहे हैं। विमान में सीट को लेकर भिड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यात्रियों के साथ बहस का वीडियो सामने आया है, जो सांसद साध्वी प्रज्ञा के अहंकार को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। सोशल मीडिया पर इस बहस का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक महिला कह रही है, आप फैसला लीजिए, आपका मैनेजमेंट कौन है, यहाँ की प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इस पर साध्वी प्रज्ञा जवाब देती हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे अपनी रूल बुक दिखा दो, मुझे बनेगा बैठते तो बैठूंगी, नहीं बनेगा तो मैं चली जाऊंगी। यात्रियों ने भी बीजेपी सांसद प्रज्ञा
से कहा, आप कैसी जनसेवक हैं। बात बढ़ी तो यात्रियों ने सांसद प्रज्ञा को बेशर्म तक कहा। पहले देख लीजिए इस वीडियो को जिसमें सांसद साध्वी प्रज्ञा मोदी और बीजेपी की भावनाओं के विपरीत कुर्सी के लिए बहस कर रही है। कोई टाइम की वैल्यू नहीं है किसी के। डिसीजन लीजिए, आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये। नहीं तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना, मैनेजमेंट कौन है आपका, आपका मैनेजमेंट कौन है? सीनियर मैनेजमेंट। तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा ब्लड से नहीं, नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी यात्रा करते, बनेगा तो चली। नहीं दिखा पा रहे हैं आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, बिल्कुल आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली, अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, हम भी क्यों, सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ, कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, राइट मेरी बात सुनिए, मेरा राइट क्लास का है। सुनिए, इसलिए हम भी बोल रहे हैं उनको कि लेके मॉरल कंपस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। शर्म करनी चाहिए जी, बिल्कुल शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो अच्छा, अपने बयानों के कारण कई बार बीजेपी की किरकिरी करवा चुकी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस बार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। एक यात्री तो बीजेपी सांसद से कह रहा है कि आपको शर्म नहीं है कि आप इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। इससे पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट में सीट को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की क्रू मेंबर से बहस हुई। सीट की मांग को लेकर वे विमान में ही धरने पर बैठ गई। इस बीच यात्रियों ने विमान में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके व्यवहार की निंदा की। साध्वी प्रज्ञा शनिवार शाम को दिल्ली से स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG2489 से भोपाल आ रही थी। विमान के अंदर उन्हें सीट नंबर 2A दी गई। सांसद चाहती थी कि प्रोटोकॉल के लिहाज से उन्हें सीट नंबर A1 दी जाए, लेकिन यह सीट पहले ही दूसरे यात्री को दी जा चुकी थी। शाम 7 बजे विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भोपाल के सभी यात्री उतर गए, लेकिन साध्वी नहीं उतरी, ये विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गई। स्पाइस जेट के स्टाफ ने भी उनसे नीचे आने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं आईं। बाद में एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम विमान के अंदर पहुंचे और सांसद से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद संभव है एक बार फिर सांसद प्रज्ञा की मुसीबतें बढ़ जाए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा सांसद केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ अशोकनगर कोतवाली में 0 पर केस दर्ज किया गया है। इसके बाद मुंगावली थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। जाति प्रमाण पत्र बनवाने में गलत जानकारी देने को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कुछ ही समय पहले बीजेपी सांसद और उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। सांसद केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ धारा 420, 120B, 181, 182 के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने थे। प्रशासन को भाजपा सांसद केपी यादव के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार 2014 में यादव द्वारा अपने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए वार्षिक आय क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए से कम बताई गई थी, जो गलत है। इस घटनाक्रम में बीजेपी सांसद के मामले पर बीजेपी ने उनका बचाव करते हुए कुछ सवाल उठाए हैं। एक व्यक्ति 3-3 चुनाव लड़ ले और उसको समिति बरी कर दे और एक व्यक्ति पे केस लगा दे SDA में। अभी हमने 2 फैसले इस हफ्ते के अंदर देखे। एक अशोकनगर के विधायक जजपाल जज्जी का था जो पिछड़ा वर्ग से लड़े,
जो एससी सीट से लड़ लिए, जो सामान्य सीट से लड़ लिए, उसको अधिकारियों ने कह दिया कि ये ठीक है, और एक को एसडीएम ने कह दिया गलत है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है, ये बदले की भावना से काम कर रही है, परंपरा डाल रहे हैं, देखते हैं। प्रशासन ने जांच में पाया कि यादव की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। इस आधार पर सार्थक यादव व उनके पिता केपी सिंह यादव दोनों का क्रीमी लेयर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया, ताकि भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिले। आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है। 8 लाख रुपए से कम आय होने पर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मिलता है। इस मामले में सांसद की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार का इस मामले में कहना है कि सांसद यादव के खिलाफ सबूत मिले हैं, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। केपी यादव जी के बारे में तो देखिए, इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई जो अगली जो बनती है, वो तो कानून तो अपना काम करेगा, ठीक है। और कानून को अगर पीछे हटना होता और कानून के रक्षकों को अगर पीछे हटना होता तो वो वहाँ तक आगे कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट होता है और वो सिद्ध हो जा चुका है, तो इसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है वो अपने आप बनेगी। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कांग्रेस सरकार करती है। अतिक्रमण करने वालों को सरकार माफिया कह रही है। कमलनाथ ध्यान भटकाने के लिए माफिया राज खत्म करने के नाम पर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस के महंगाई और सीएए से ध्यान भटकाने के बयान पर कहा, चूंकि कांग्रेस ऐसा करती है इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। पटवारी की हड़ताल करा देते हैं, अतिथि विद्वानों की हड़ताल करा देते हैं, ध्यान भटकाने के लिए माफिया राज खत्म करने के नाम कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं और वो मार्च निकाल रहे हैं। उनके लिए संविधान अलग है और हमारे लिए अलग। दतिया में मैंने ज्ञापन देने को कहा तो अधिकारियों ने मना कर दिया। कांग्रेस ऐसा करती रही है इसलिए ऐसा लगता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। ये उनको लग रहा है ऐसा, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, खाद मिल नहीं रही, प्याज मिल नहीं रही। अब इससे ध्यान भटवाने के लिए अतिक्रमण चलाया ना, अतिक्रमण को माफिया का नाम दे दिया, एक व्यक्ति से 99 को जोड़ दिया। ये होता है ध्यान भटकाने का तरीका। किसान को राहत देनी नहीं पड़े तो पटवारियों की हड़ताल करवा दी एक मंत्री से बुलवा के, ये होता है ध्यान भटकाने का तरीका। उसके बाद आरआईओं की हड़ताल करा दी, ये होता है ध्यान भटकाने का तरीका। गौशाला एक भी निर्माण नहीं करी और ट्वीट करा दिया अपने नेता से कि गाय सड़क पे है, इनको गौशाला में भेजा जाना चाहिए। ये होता है ध्यान भटकाने का तरीका, वो नहीं होता है। वो देश को एक करने का है जिसको वो ध्यान अटकाना बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस का देश से कभी कोई सरोकार रहा नहीं है। नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, एक साल में मिलावटखोरों और माफियाओं के खिलाफ सरकार ने अभियान शुरू किया है, इससे समाज में अच्छा संदेश गया है, अभी तो 4 साल और काम करना है। कमलनाथ सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, सरकार को 1 साल हुआ है और इसमें बड़े अभियान शुरू किए गए हैं। माफियाओं और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शुद्ध के लिए युद्ध में समाज में अच्छा संदेश गया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का विजन है जिस कारण प्रदेश की बेहतरी के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े भू माफिया हैं बड़े बड़े शहरों में, उनके ऊपर भी जो कार्रवाई चल रही है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे कि जो ऐसे लोग थे जो जिन्होंने अवैध कब्जा किया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी थी, उन पर जो ये कार्रवाई चल रही है उससे एक बहुत ही अच्छा संदेश पूरे मध्य प्रदेश में गया है। और ये इसलिए संभव है क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस तेज गति से काम कर रहे हैं और इन सब बिंदुओं पर जो वो विशेष ध्यान देते हैं, उसी से ये संभव है। कांकेर में धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था और धान के सही मूल्यों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उसको पूरा करे, धान का सही मूल्य नहीं दिया जा रहा है और धान खरीदी के जो पैसे आते हैं वो भी देरी से आ रहे हैं। कांकेर के बांदे क्षेत्र में किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि किसान के फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसी भी किसान को परेशानी नहीं होगी, उस वादा खिलाफी को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने मांग की है कि जैसे पहले धान फड़ में धान खरीदी की कोई लिमिट नहीं थी वैसे ही किया जाए।
वांदे क्षेत्र में लगभग 1600 किसान हैं, जिसमें से कई बड़े किसान भी हैं। हर फड़ एक दिन में 2 से 4 किसानों का धान ही ले पा रही है। आंदोलन का कारण यही है, देखिए जब भी नारा लगाता है जय जवान जय किसान बोलते हैं, चिट्ठी से लेके प्रधानमंत्री तक किसान का खाता है, किसान के ऊपर इतना अत्याचार करने से थोड़ी चलता है। जैसे हम लोग धान बेचने जाता है, समर्थन मूल्य कितना दिए थे, 2500 रुपया, आज हम लोग को कितना मिलता है, 1835 रुपया। सीखे किसान, सही बात है, 1835 रुपया मिलता है, बाकी का कोई उल्लेख नहीं है। और यहाँ धान खरीदी जो लिमिट है उसको घटा दिया है, ये किसान कहाँ तक धान देगा। किसानों का कहना है कि पहले धान देते ही 3 दिन में किसानों के खाते में पैसा आ जाता था, धान खरीदी को 22 दिन हो गए हैं लेकिन एक भी पैसा किसान को नहीं मिला है। कांग्रेस अपने वादे के अनुसार धान का समर्थन मूल 2500 रुपए दे। अधिकतर किसानों के पंजीयन में गड़बड़ी हुई है जिससे किसान सही से धान नहीं दे पा रहा, पंजीयन में सुधार किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। हमारी 5 सूत्र मांग है जो कि प्रतिदिन का इनका लेम्स और सरकार के मतलब खरीदी का एक लिमिट बनाया गया था दिन में 450 से 450 क्विंटल। तो हमको किसान को इतने परेशान हो रहा है कि हमारे जैसे अगर किसान बड़े किसान होंगे तो एक दो किसान का ही मतलब एक दिन ले सकते हैं, तो यहाँ 1600 किसान है, तो 1600 किसान का अगर 2 महीना में इन लोग 60 दिन में लेंगे तो कहाँ पे पूर्ति करेंगे। तो इसीलिए हमको इस लिमिट को समाप्त करके अनलिमिटेड लिया जाए, ऐसे हमारे मतलब मांग है। और दूसरे मांग है कि टोकन गेट पास ये 1 घंटा में किसान को प्राप्त करे, ऐसी हमारी मांग है। होशंगाबाद में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस, आबकारी और राजस्व की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और अवैध शराब जब्त की जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस, आबकारी और राजस्व की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की। विभाग के लगभग 70 अधिकारी कर्मचारियों ने मोहल्ला बालागंज में दबिश दी और 2300 किलो महुआ, 80 लीटर कच्ची देसी विदेशी शराब सहित 100 से ज्यादा क्वार्टर जब्त किए। जब्त महुआ और शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। 11 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई SP ML छारी, कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर की गई। सिंगरौली पुलिस ने 2 माह पूर्व गायब हुई एक महिला और बच्ची की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जिस युवती को गायब कर मार दिए जाने की चर्चा थी, वह युवती अपने प्रेमी के साथ किराए के मकान में रह रही थी। सिंगरौली के मांडा थाना अंतर्गत करामी क्षेत्र के जनकलाल जायसवाल ने थाने में सूचना दी थी कि 2.5 माह पूर्व उनकी बेटी 5 वर्ष की पोती के साथ घर से गायब हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनकलाल को पता चला कि उनकी पुत्री और पोती की हत्या हो चुकी है। जनकलाल जायसवाल को अंदेशा था कि उनके दामाद संतोष जायसवाल ने आपसी संबंध खराब करने के कारण उनकी बेटी व नाबालिग पोती की हत्या कर दी है, जबकि सोशल मीडिया में बढ़ रही खबर गलत निकली, जिसके बाद पिता ने इस खबर को फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। क्या मामला है ये? क्या मामला है आप? ये मामला ये है कि बच्ची हमारी मतलब अपने घर से मतलब 16 अक्टूबर को मतलब घर से मतलब निकल गई, अपने घर गई वो 2 सितंबर को और 1.5 माह तक अपने घर में थी। नातिन है आपकी? नातिन है सर, 1.5 माह थी घर में। 1.5 माह के बाद 16 अक्टूबर को अपने घर से निकल गई, गोल हो गई, लापता हो गई। तो 2 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद मतलब ये व्हाट्सएप में कोई आदमी भेज दिया कि तुम्हारी बच्ची को कोई मार के फेंक दिया है, लाश हमने देखा। तो इसलिए बच्ची हमको लगा कि मतलब हमारी ही बच्ची, इसलिए साहब हमने शिकायत दर्ज कर दी। मरे नहीं है, ये जो व्हाट्सएप किया है ये गलत किया है। कहाँ के है साहब, इसका निर्णय होना चाहिए। हमको क्यों मतलब ऐसे शासन प्रशासन को हमको लड़की पिता को क्यों परेशान किया व्हाट्सएप। सोशल मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को हल कर दिया। पुलिस ने बताया कि गायब युवती प्रेमी राम प्रकाश साकेत के साथ गहिलगढ़ विंध्यानगर में रह रही थी। राम प्रकाश साकेत की शादी पहले ही हो गई है, जिसे छुपाने के लिए राम प्रकाश ने कमरा किराए से लेकर रखा था। पुलिस ने बताया कि युवती के साथ कोई गलत घटना नहीं हुई है। ये एक मामला है जिसमें सोशल मीडिया पर एक स्त्री और उसके बच्ची का फोटो जो है मृत अवस्था में वायरल हुआ था। इसके पश्चात जगतलाल जायसवाल जो करामी थाना माड़ा के रहने वाले हैं,
उनकी सूचना के आधार पर एक गुमशुदगी कायम की गई थी, जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया कि उसकी पुत्री तो 2.5 महीने से जो है वो गायब है और उसके साथ उसकी 5 वर्षीय पुत्री है वो भी गायब है। तो इस मामले को हमने ट्रेस किया है, इसमें हमने ये पता किया है कि ये जो सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही थी वो इसकी पुत्री की नहीं है, जैसा कि उसके द्वारा शुरू में दावा किया गया था। और ये बताना है कि इसकी जो पुत्री है मंजू जायसवाल और उसकी लड़की खुशबू जायसवाल, उन दोनों को हमने दस्तयाब कर लिया है और अभी आपके सम्मुख उसको प्रस्तुत भी किया है। इसमें यह मामला खुलकर सामने आया है कि मंजू जायसवाल का की जो शादी है वो संतोष जायसवाल के साथ तकरीबन 7-8 वर्ष पूर्व हुआ था, किंतु दोनों के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं। इसी बीच मंजू जायसवाल का जो संबंध है वो एक राम साकेत के साथ स्थापित हो गया, जो कि उसके ससुराल के गाँव का ही रहने वाला था। राम साकेत के साथ जो उसका संबंध स्थापित हुआ तो वो यहाँ पे विंध्यनगर में उस औरत को 2.5 महीने पहले अपने पास लेके आ गया, किंतु चूंकि उसकी शादी पहले से ही हो रखी थी उस साकेत, तो उसने इस बात को छिपाने के लिए कि दूसरे स्त्री के साथ उसका संबंध है उसने किसी अन्यत्र स्थान पे उसको रखा। और सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होने के कारण जो है कि सनसनीखेज टाइप का मामला आप लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से और अखबार के माध्यम से ये हमें ज्ञात हुआ, तो हमने इसको चुनौती के रूप में लेते हुए हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीएसपी साहब, एसडीओपी मोरवा द्विवेदी जी, पीआई कोतवाली अरुण पांडे जी, इसी प्रकार हमारा माड़ा से सब इंस्पेक्टर राकेश और हमारी साइबर की टीम और थाने के अन्य कर्मचारियों ने इसमें एक टीम बनाई गई थी हमारे द्वारा, जिसमें 2 दिन के अंदर इस मामले का खुलासा हुआ है। और ये हर्ष का विषय है कि ये स्त्री जो है जीवित है। एक तरफ सर्दी का कपकपा देने वाला अंदाज सामने आया है, ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तर भारत और मध्य भारत के कई शहरों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। यह बेमौसम बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, हालांकि कुछ फसलों के लिए यह लाभकारी है। मौसम विभाग का मानना है कि 23 और 24 दिसंबर को राजस्थान में जोरदार बारिश होगी और पूरे पूर्वी राजस्थान को कवर करेगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल सहित गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, सतना, दमोह, उज्जैन, पन्ना, रीवा, सीधी, होशंगाबाद, जबलपुर आदि स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। यह सिलसिला 26 दिसंबर तक चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब ठंड भी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में बारिश की वजह से भी सर्दी का अनुभव बढ़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।